हम सबकी ब्रेन में कहानी है, मेरे बारे में, आपके बारे में, इस दुनिया के बारे में, जो हम जानते हैं उसके बारे में भी, जो हम नहीं जानते उसके बारे में भी। इसको ऐसे समझो कि एक मूवी चल रही है, उस मूवी में आप एक कैरेक्टर, जो भी कुछ है उस कैरेक्टर के आसपास में, उस कैरेक्टर ने खुद चूज नहीं किया है, यानी आपने चूज नहीं किया कि आपके माँ बाप कौन हो, आप किस जगह पर पैदा हो, किस स्कूल में आपका एडमिशन होगा, उस स्कूल में कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसे टीचर्स मिलेंगे, ये सब आपने चूज किया क्या? ये तो सब अपने आप हुआ ना, एक एनवायरमेंट मिल गया, उस एनवायरमेंट की वजह से आप वैसे ही बनते चले गए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके एक सेशन में आज से बहुत साल पहले, जैसे एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, मान लो जुड़वा है, एक यहां पर बड़ा हुआ, एक बाहर किसी कंट्री में बड़ा हुआ, क्या दोनों बिल्कुल सेम होंगे या बिल्कुल अलग होंगे 20 साल बाद? तो क्या हमारा जो एनवायरमेंट है, क्या हमारी जो सोसाइटी है वो हमें बनाती है या हम उसको बनाते हैं? पहले वो हमें बनाती है, फिर हम उसको बनाते हैं। तो अब आपकी जो कहानी है वो आपको एक गलतफहमी हो रही है कि ये आपने बनाई है। नहीं, वो बन गई है डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फ्रेंड सर्कल, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। उस कहानी में आप कैद हो, तो उस कहानी में से कैसे बाहर निकले अगर आप कैद हो? ये एक ऐसी कैद है, यानी एक ऐसी जेल है जो इमेजिनरी है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ये जेल इमेजिनरी है, उस दिन उस जेल से बाहर निकलने की चाबी आपके हाथ में है। आप एक सेकंड में उससे बाहर निकल सकते हैं, अपनी कहानी को बदल सकते हैं। अभी आप एक कैरेक्टर हो एक मूवी के अंदर, जो कैरेक्टर हेल्पलेस है, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लाइक जो ब्लेम कर रहा है अपने आसपास में सबको। बट जैसे ही आपको मेरी बात समझ आ जाती है कि कहानी झूठ है जो आपकी ब्रेन में बैठी हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके साथ में पास में जो भी कुछ हुआ वैसा ही आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, अगर आप अपने इंसान होने की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी को यूज करो तो। वो कैपेबिलिटी क्या है? वो ये है कि आप इस कहानी में, इस मूवी में, जिसको लाइफ बोलते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं हो, क्रिएटर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी एंड यू कैन चेंज दिस स्टोरी एट योर ओन विश, व्हेनेवर यू वांट टू, इन अ फ्लैश बदल दो। ये एक सुपर पावर है एक इंसान के पास, द बिगेस्ट सुपर पावर दैट वी हैव गॉट। लिख दो जो भी लिखने का दम है आपके अंदर, दम होना चाहिए लिखने का, फिर हो सकता है पूरी दुनिया के माइंड में आपकी एक अलग कहानी होगी, बट आपके अंदर कुछ अलग है और वो मैटर करता है, वो नहीं जो दुनिया के माइंड में है। दुनिया आपको अलग अलग नजरों से देखती है, वैसे नहीं जैसे आप हो, वैसे जैसे वो खुद है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा इंसान देखेगा जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है, तो वो आपसे वैसी ही बात करेगा। कोई ऐसा इंसान होगा जो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है और वो आपसे मिलेगा, आपके साथ में बैठेगा, तो उसका ध्यान सिर्फ इस तरफ होगा कि आप में ऐसा क्या खास है जिसके बेस पर आप कुछ कमाल का कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज देखेगा। बट ये भी इतना मैटर नहीं करता कि कौन क्या देख रहा, कौन क्या बोल रहा, मैटर क्या करता है इस कहानी में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप खुद अपने आप को क्या बोल रहे हैं। तो पहला स्टेप आता है, अपनी दुनिया बदलनी है, अपनी कहानी को बदल दो, एक्शंस बदलेंगे, हैबिट्स बदलेगी। कोई मैटर नहीं करता ये कहानी कितने टाइम से आपके माइंड में घूम रही है, एक महीने से घूम रही है, एक साल से घूम रही है, 10 साल से घूम रही है, क्या फर्क पड़ता है। बैठो अकेले में 10 मिनट के लिए और अपने आप को बोलो, इनफ इज इनफ, आई गेट आउट ऑफ इट। तो अब यहां पर क्या आया, एक्शन, टेक एक्शन, टेक अ डिसीजन, एंड द मोमेंट यू टेक अ डिसीजन आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में भागेगी। एक डिसीजन, यू जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ, इज इट नॉट अ फैक्ट? क्या हम हर कदम पे अपनी जिंदगी में, चाहे किसी भी फेज में हो, क्या हम सिर्फ एक डिसीजन दूर नहीं होते हैं पूरी अलग जिंदगी से? किसी के साथ जुड़ने का डिसीजन, किसी को छोड़ने का डिसीजन, कुछ करने का डिसीजन, कुछ नहीं करने का डिसीजन, और हम डिसीजंस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं, वी आर ऑल अफ्रेड। तो अपनी कहानी में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
तो अब आप क्या बन गए? कैरेक्टर बन, एक मूवी के जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वो कैरेक्टर क्या करेगा, कब उठेगा, कब सोएगा, सब कुछ कोई और डिसाइड करे, ये दुनिया डिसाइड करे। यानी ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पे कहानियां चल रही है, अगर इसको आपने खुद नैरेट नहीं किया, खुद क्रिएट नहीं किया, तो आप एक कैरेक्टर बन करके रह जाओगे, जैसे 99.99% लोग बन करके रहते हैं, ऐसे जीते हैं, ऐसे मरते हैं। क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है अगर आप एक क्रिएटर हो। यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड।